क्या वाकई में कोरोना केस कम हो गया है या दुनिया से छुपाया जा रहा है? कोरोना आखिर क्यों चुनाव के दौरान कम हो जाता है? हेलो दोस्तों, मैं इसी सब टॉपिक पर आप सबको विस्तार पूर्वक बताने आया हूं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को आखिर क्यों छुपाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। इन दिनों चुनाव के दौरान लोगों को यह बताया गया कोरोना केस कम हो गया है और सरकार ने कुछ ढिलाई भी बरती। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र ने 4005 लोगों की मौत के बारे में जानकारी दी है। इन लोगों की मौत काफी समय पहले हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी देरी से आई। इसी तरह केरल से बीते एक वर्ष में केरल अब तक 20,000 से अधिक पुरानी मौत की जानकारी केंद्र तक भेज चुका है। यह सिलसिला अभी भी जारी है और केरल में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। देश में कोरोना के मामलों में भले ही कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन राज्यों की ओर से दैनिक रिपोर्ट में काफी लटलतीफी देखने को मिल रही है। बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र और केरल से 4,000 से ज्यादा पुरानी मौत का हिसाब दिया है, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते एक दिन में 4,100 लोगों की मौत दर्ज होने की पुष्टि की है। 8 राज्यों के 34 जिलों में संक्रमण की स्थिति गंभीर। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 8 राज्यों के 34 जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों में दैनिक दर 5% से अधिक है। इनमें से राजस्थान, केरल, हिमाचल, मध्य प्रदेश के जिलों में संक्रमण को लेकर अभी भी सतर्कता की जरूरी है। केंद्र ने इन राज्यों से संबंधित जिलों में कोविड सतर्कता नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी कर दिया है। देश में 16,060 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी है कि बीते एक दिन में 16,060 नए मामले सामने आए हैं। इसके चलते देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,30,18,032 हो गई है। वही सक्रिय मरीजों की संख्या 16,741 हो गई है, जो 702 दिनों में सबसे कम है और कुल मामलों का 0.04% है। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इनके अलावा उपचाराधीन केस में बीते एक दिन के दौरान 4,789 की कमी दर्ज की गई। अब तक देश में 4,24,80,436 लोग संक्रमित से ठीक हुए, लेकिन 1.21% लोग 5,20,855 की मौत हुई। मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 0.25% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.29% है। अब ऐसे में क्या फिर से कोरोना की वापसी होगी या फिर सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे लोगों को कोरोना के चौथी लहर से बचाया जा सकेगा? फिलहाल के लिए मुझे यानी नवनीत को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए नव 24 न्यूज़ और बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।